हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे, इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते करते रंगून की कीचड़ की किस? देखिए, पूरा रिसर्च देखिए हमारी, मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं, तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन? आई मीन शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले दो दो घंटे नहाते हैं, कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी, तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू नो यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो यू नो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे दो बच्चे थे जी, एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्यारा, हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है जी? वाओ, आपसे क्या पूछना। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं बहुत छोटे थे जब व्हेन वी गॉट टू नो ईच अदर, तो आई थिंक वो फ्रेंडशिप्स अलग होती है। आपने तो उनका घर अंदर से भी देखा होगा, उधर मतलब वीजा लेना पड़ता है कि ऑन अराइवल मिलता है? ना, कुछ अफवाहें थी क्यारा, अच्छी बात है आप आ जाइए तो क्लियर कर ही लेते हैं। मतलब अंबानी फैमिली को लेकर कुछ अफवाहें थी, तो आप तो उनकी दोस्त हैं तो आप क्लियर कर सकती हैं। नहीं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कौन से चैनल पे आ रही है ये प्रोग्राम? मैं ना एक चैनल पे शो करता था, मैंने कहा आप कभी हमारे शो पे आइए, कौन सा शो ऐसे से, बोलते हो चैनल हमारा ही है। मैं कहा अच्छा। ऐसे अफवाहें सुनी है, कहते हैं कि उधर कपड़े धो के झाड़ते नहीं क्योंकि पैसे गिर जाते हैं, सही है? वो जहां भी झाड़ते होंगे ऐसे लोग खड़े रहते होंगे ना नीचे, प्लीज आज झाड़ दो प्लीज। कहते हैं कि सुना है कि मतलब वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंक देते हैं, सो एनी आइडिया कहाँ फेंकते? कहाँ फेंकते हैं? You're not answering any questions यार। अगर कोई आदमी चाहे कि वो मुझे गोद ले लें, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको मेरे को अर्चना जी को दोनों को ले क्या जरूरत है ना अर्चना जी? हाँ। शूटिंग पे आने की, बैठो आराम से, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ पियो फिर सो जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं मालूम है? वो तो करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करे ना, हमें क्या जरूरत है। ओके, तो दर्शकों कुछ अफवाहें थी, पर हाँ अमीर तो है बहुत ज्यादा। शाहिद, क्यारा, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा जी, हर सवाल के तीन तीन जवाब है जी, आपको 5 सेकंड में देने, बड़े इजी इजी है। ओके, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, पहले जिसने दे दिया उसका। तीन चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली? हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना, वो तो मैं पब्लिकली कर लेता। और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना, तो हंसी रही है बस, सोच के हंस रही है कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे बोलूं। अच्छा जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकती हैं। पैसे गिनना? नहीं। पैसों से ध्यान नहीं हटता आपका यार। आप बोलो ना, क्या करते हो आप? कुछ तो आ रहा है इसके मन में जो ये खुल के बोल नहीं रही है। हाँ, अच्छा आपको याद है मैंने एक और चीज कही थी, 5 सेकंड में बोलना है। हो गया 5 सेकंड, तो हो गया, इसको जाने देते हैं। चलो, लोग पढ़ने के अलावा न्यूज़पेपर के जो हैं तीन कौन से इस्तेमाल करते हैं? चीजें रैप करने के लिए, और कुछ गिर जाए तो उसको साफ clean, करने के लिए, और जब नेल्स काटते हैं तो उसको फोल्ड करके फेंकने के लिए। वेरी नाइस, यस नाइस, दैट्स अ वेरी गुड वन। अच्छा, ऐसे कौन से तीन काम हैं जो सिग्नल पे वेट करते हुए आप करते हो? म्यूजिक चैनल चेंज करना, हाँ, बाजू वाली गाड़ी में कौन है उसको देखना, और अपना फोन नहीं, जो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और अपना फोन चेक करना। वेरी गुड, नाइस। क्यारा, मैं नेक्स्ट तुझे दे रहा हूँ, अभी तू बोल। क्यारा शायद इज विनिंग। ओके ठीक है, अभी तुम जवाब दो। क्यारा, अगर आप लड़का होती तो ऐसी कौन सी तीन हीरोइन हैं जिनसे आप फ्लर्ट करना चाहती? दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय। अच्छा, अगर यही सवाल उनसे पूछा होता एज अ हीरोइन आप किन तीन लड़कों से के साथ करना चाहती, तो कभी जवाब नहीं मिल जाता।
रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहिद कपूर। शायद आप अगर लड़की होते तो आप कौन से तीन हीरो के साथ फ्लर्ट करना चाहते? कपिल शर्मा। देखो आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, इक्वल है। या कोई ये नहीं बोल सकता इट्स अनफेयर रिलेशनशिप, इक्वल। और दो शादीशुदा लोगों को ढूंढते, अक्षय कुमार बहुत फिट हैं, यस आई लाइक हिज फिटनेस, क्लाइम कर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, आई लाइक इट, एक्साइटिंग। और थर्ड कोई यंगस्टर को ढूंढता हूं मैं, वरुण धवन। ओके, अच्छा किसी लड़के में आप सबसे पहले कौन सी तीन चीजें नोटिस करती हैं? शूज और आंखें, स्माइल। आंखें, शायद आप किसी लड़की में तीन चीजें कौन सी नोटिस करते हैं? आंखें, स्माइल और वो अपने आसपास जो दूसरी लड़कियां हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहनजी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना। होती है कई मनहूस लड़के, हमेशा उससे दोस्ती पहले करते हैं, बहन बनाते हैं उसको सबसे पहले, बहन नहीं बनाते, पहले उसके साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि वो यू नो सडनली उनको पसंद करने लगे, ताकि वो उस तक पहुंच सके। बहन थोड़ी बनाते, बहन बनाएंगे तो वो और अपसेट हो जाएगी। ओके, अच्छा तीन चीजें जो आपको फ्री में अच्छी लगती हैं। होटल में कभी कभी यू नो समटाइम्स गेट नाइस सोप्स एंड ऑल ना, क्रीम्स तो बैग में रखती हूँ कभी कभी, हैंड क्रीम्स। ऑल गर्ल्स डू दैट, या हैंड क्रीम वेरी नाइस फ्रॉम व्हेन यू आर। मैं तो आदम का तौलिया भी रख लेता हूँ। मुझे फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है। फ्री वाईफाई मिलता है यार, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, खाने के नाम पे सबसे पहले कौन सी तीन चीजें आपके दिमाग में आती हैं? गुलाब जामुन। अच्छा, और डोंट लाइक दूध, कुल्फी, करेला, डोंट लाइक। नहीं नहीं, वो सब चीज तो खानी पड़ती है, इसलिए दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं। जो आदमी खा नहीं सकता, हाँ, जो खा नहीं सकता वही आता है दिमाग में, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट। बड़ी सारी, कितनी लंबी लिस्ट होगी ना। अच्छा, ये लड़कियों का ये नया होता है कि खाना जैसे ही आता है हमको कैसा होता है कि इमीडिएटली वांट टू ईट इट, वेट 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 वेट, फिर फोन निकाल के उसका फोटो लेना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। अरे इंसान भूखा है, How dare you take a bite from that? You spoiled the entire dish. अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं। It's okay, you can say yes. We won't judge you. हम सब के अंदर खामियां हैं कियारा। देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अब वैसे कौन से स्कूल में पढ़ी क्या रहा, वी जस्ट वांट टू नो, मुझे जानना है कि ऐसी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ती हैं हमारे साथ जो पढ़ती थी ना, कपिल अगली क्लास कौन सी है? चल भाग के आते हैं। ये हमारे स्कूल में एक्चुअली लड़के ऐसे होते, लड़के ऐसे थे यू एक्चुअली, मेरे को मतलब मेंटली मुझे ना वो याद आ गए विजुअल्स, यू डिड इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट हैपेंस। मेरी क्लास में भी ऐसी लड़कियां थी और 30 लड़के थे और 4 लड़कियां थी और ऐसी थी, हां ऐसी थी। और फिर जीतू जी, कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं। सर, एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की है। नहीं नहीं, लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी, एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी। अच्छा। मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से। अच्छा जी। और रव्या रव्या, वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे। अच्छा, तो इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना। अच्छा, तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके पिक्चर चली नहीं थी उसकी, अमोल पाले करके था, तो जिस हीरोइन की पिक्चर न चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में, राइट। और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मत वाला तेलुगु में जयप्रदा ने की थी। अच्छा, तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था। चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत, तो मैंने राघवेंद्र को बोला इधर करते हैं इसके साथ। अच्छा, दैट्स हाउ श्रीदेवी केम इनटू हिम्मत वाला। वाओ, मैंने लॉन्च। जितनी एक अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तो शार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था। आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद?
धर्मवीर देखी तो बहुत बार है लेकिन ये किस्सा याद नहीं है। अच्छा, बड़ा हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे तो मुझे हेलीकॉप्टर लेकर आओ। अच्छा, दोस्त जी बच्चे करते हैं ऐसा, सो कुड बी ट्रू पर मुझे याद नहीं। मैं मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था। मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, तो बनते होंगे फॉर्म वगैरह भरते होंगे। मैं हर साल मंगल सिंह डाकू बन के प्राइस जीता मैंने। डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे। आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं। एक्चुअली वो सिर्फ भागते थे ऑन फुट, पुलिस की वर्दी पहन के। पहले पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का किस्सा था। आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं। तो मरोड़ मरोड़ के देखते थे ऐसे ही। तुषार, आपके बारे में ये फायदा कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे। तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुष्की रख दिया। इज इट ट्रू? ये आपने बनाया है। जीतू जी, एक अफवाह ये कि आप जहां भी जाते हैं अपनी वेव मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना तोलते रहते हैं। पर ये मुझे हमेशा मिनिया रहा है, जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ। अच्छा जी। खाना खाने के बाद, खाने के बाद, सुबह उठने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द लू, बिफोर लू, क्या मेरा वेट है, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। अच्छी बात है। एक तो देखो, लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी, सब वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहने तो आदमी बड़ा लगता है। अच्छा जी। तो लोग डार्क काले कपड़े पहनते हैं ताकि स्लिम रखें। So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. Oh. That's how it started. तो ऐसे famous जीतू जी look पैदा हुआ। तुषार, आपके बारे में ये फायदा कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी। छिपकली साहब, छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे। अभी भी डर लगता है? हाँ, थोड़ा घिन आती है, whatever. लेकिन अपना होमवर्क कराती थी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी। मैं शायद मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करते नहीं थी। आई वाज अ लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल, कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे, उनको बाहर खड़ा कराना पड़ता था। बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर। सो आई से एकता का तीन मंत्र थे लाइफ में। अच्छा। ईटिंग, ईटिंग एंड ईटिंग। और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है, कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में। कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया और पूरा वो ड्रेस। उस जमाने में तो देव और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब। तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे। व्हाट? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता था। और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है। ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे। अच्छा। शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी। अच्छा। बहुत कड़वी लगी, बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी। नहीं। जीतू जी, आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे आपके टाइम पे, वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे? नहीं नहीं, ये सवाल ऐसा है, मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा। जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं, तो आप सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे, सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था? कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी। और मद्रास का एक आपको वहाँ के जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ए नागेश्वर राव, एन टी रामा राव जी, ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम। अच्छा। एंड तक
65 साल की उम्र में भी गाने गा के ऐसे ऐसे करते थे लोग, पीपल यूज टू एक्सेप्ट. बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल. जैसे एंटी रामा राव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में, 7 बजे ऑन द डॉट. आप बताइए कौन सा माइका लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके. क्या बात है, क्या सब टाइम पे. अच्छा जीतू जी, वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था. ये शादी से पहले की बात है. नेचुरली अभी तो यही बोल जीतू जी, वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी? सभी सभी मम्मी को लेके आती थी. सभी मम्मी के साथ आती थी. और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके? नहीं, मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी, वो मम्मी को संभालते थे. अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब, महमूद कॉमेडियन तो थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रेमेंडस. अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं, हंसी आ रही. मैं क्या करूँ क्या करूँ, सोचो तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तो जब तेरा हंसने का सब शॉट आएगा ना बात करते करते, तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस. अच्छा, मैंने कहा ठीक है. तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसने वाला हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े. फिर वन टेक ओके, इतना हंसा, हंसी रुको रोक ले. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.